नमस्कार, कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ किसानों के द्वार हम लाए हैं पूसा समाचार। पूसा समाचार की प्रथम वर्षगांठ पे हम सब किसान भाइयों, बहनों और दर्शकों का हार्दिक स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं। गत वर्ष 15 अगस्त को पूसा संस्थान ने किसानों के साथ जुड़ने एवं देश के सभी किसानों को हमारी तकनीकी जानकारी देने हेतु इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया था और आज अपने 52वें अंक के साथ यह कार्यक्रम एक वर्ष पूर्ण कर रहा है। इस एक साल में किसान मित्रों ने पूसा समाचार में खूब रुचि दिखाई और उनके सहयोग से पूसा समाचार ने न केवल अपने 50 अंक पूरे किए बल्कि लगभग 15,000 सब्सक्राइबर्स और 3.5 लाख व्यूज के आंकड़े को भी छुआ। विगत एक वर्ष के दौरान पूसा समाचार हिंदी के अलावा 5 अन्य प्रमुख प्रादेशिक भाषाओं तेलुगु, तमिल, कन्नड़, उड़िया तथा बांग्ला में भी शुरू किए गए, जिसे आप सभी दर्शकों ने बहुत ही सराहा और पसंद किया। हमें उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में भी आप हमारे इस कार्यक्रम को अपना प्यार ऐसे ही देते रहेंगे। पूसा व्हाट्सएप सेवाओं के माध्यम से कृषि समस्याओं के समाधान को लेकर हम सीधे किसानों से जुड़े, इस नवोन्मेषी पहल को सभी ने सराहा। इस शुभ अवसर पर आइए सुनते हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक का संदेश। अनुसंधान परिषद का ऐतिहासिक संस्थान, जिसको पूसा संस्थान के रूप में सब लोग जानते हैं, उसके तरफ से एक साल पहले पूसा समाचार के नाम से एक हिंदी बुलेटिन जारी किया गया था और ये यूट्यूब का एक चैनल है और इसके जरिए ज्यादा से ज्यादा किसान मित्रों, युवा वर्ग, एंटरप्रेन्योर्स, इनके पास पहुंचने के लिए एक जबरदस्त प्रयास किया गया था। अब ये एक साल पूरा कर चुका है और ये यूट्यूब चैनल पूसा समाचार के जरिए पूसा संस्थान के टेक्नोलॉजी के बारे में किसानों को एडवाइजरी जारी करना, जलवायु परिवर्तन संबंधित खबर किसान को देना और वेदर संबंधित समस्त जानकारी देते हुए पूसा समाचार अत्यंत सफलता पूर्वक काम किया है। इसके लिए मैं पूसा संस्थान के निदेशक और पूसा संस्थान के जो भी वैज्ञानिक इस काम में जुड़े हुए हैं उनको बधाई देता हूं। अभी करीब करीब 15,000 सब्सक्राइबर इस चैनल के हैं और करीब करीब 3 लाख किसान एवं अन्य अन्य मित्र इस चैनल में जो संदेश दिया जाता है, जो वार्ता दिया जाता है, जो टेक्नोलॉजी संबंधित सूचना दिया जाता है, उसका फायदा उठा रहे। पूसा समाचार अभी विभिन्न प्रादेशिक भाषा में भी इसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है। मैं इनको शुभकामना देता हूँ और ये आशा करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब लोग करें, ज्यादा से ज्यादा किसान इसको व्यवहार करें और युवा वर्ग, यंग एंटरप्रेन्योर्स और किसान मित्रों एवं वैज्ञानिक मित्रों भी इसका पूरा फायदा उठाएं और इसका जरूर उठाएंगे, ये मैं उम्मीद रखता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए इस अवसर पर सुनते हैं डॉक्टर केवी प्रभु, चेयरपर्सन PPPFRA का संदेश। नमस्कार, मुझे सुन के बहुत ही अच्छा लग रहा है कि अब इस कृषि का ये जो प्रोग्राम है इसका एक साल हो गया और ये जो शुभ आरंभ जो हमारे डॉक्टर अशोक कुमार सिंह IRA की तरफ से किए, ये इतना अच्छा हुआ है। इसकी रिस्पांस और जो लोगों के ऊपर इसका असर, किसानों के ऊपर जो इसका असर जो पड़ा है और उसका जो फ़ायदा हो रहा है, ये सुन के भी और अच्छा इसलिए लग रहा है हमें, जैसे ये इसी तरह का है जैसे कोई खाना बनाए और उसको परोसे ना, और खाने का जो मकसद है जिससे कि लोग आनंद लें, उसका स्वास्थ्य का जो उसका फ़ायदा होना चाहिए वो मिले, वो तभी मिलेगा उसको सही परोसा जाए और सही तरीके से परोसा जाए, सही तरीके से खाया जाए। ये जो कृषि का जो प्रोग्राम है इसमें यही काम होता है, सही तरीके से किस तकनीकी से क्या किसान को फ़ायदा मिल सकता है और किसान इनके साथ जुड़ जाते हैं, ये दोनों चीज़ें इससे एक साथ हो जाता है, ये कार्यक्रम इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं इनको शुभकामना देता हूँ। इस कार्यक्रम को इस वक्त 6 भाषाओं में कर रहे हैं, इसे अगर हम और जितनी भाषाएं उसके लिए करें, उसमें करें और वहाँ के जो लोकल प्रॉब्लम्स हैं, वहाँ के समस्याएं हैं किसानों की, उसके साथ करें तो और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा। इस संस्थान का जो भारत के ऊपर, भारत का जो जिम्मेवारी है वो बहुत बढ़िया तरीके से निभाया जाए,
जिसको अशोक कुमार सिंह अच्छी तरह से कर रहे हैं, उनको और उनकी पूरी टीम को मेरी तरह से हार्दिक शुभकामनाएं। आइए अब सुनते हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के उप महानिदेशक फसल विज्ञान का संदेश। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई कि पूसा समाचार का ये 92वां अंक प्रस्तुत होने जा रहा है। पूसा संस्थान की ओर से ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है जो फार्मर्स तथा स्टूडेंट के लिए एक इंफॉर्मेशन का बहुत अच्छा स्रोत है। मैंने ये भी अपने आप कई बार देखा है और मुझे ये जानकर बहुत खुशी होती है कि ये सारा प्रोग्राम हमारे यंग साइंटिस्ट अपने आप अलग अलग भाषाओं में रिकॉर्ड करते हैं तथा उसको रिले करते हैं। मुझे ये जानकर बहुत प्रसन्नता हुई कि हमारे पूसा समाचार के 15,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं और 3,00,000 से ज़्यादा इसके व्यूअर हैं। इससे ये लगता है कि ये प्रोग्राम दिन प्रतिदिन लोगों में पसंद किया जा रहा है। मुझे आशा है कि ये भविष्य में भी और ज़्यादा लोग इसको देखना पसंद करेंगे और हमारे संस्थान के बारे में और जानकारियाँ जो कृषि संबंधी जानकारियाँ होती है उनको घर घर तक पहुँचाएगा। ये मेरी शुभकामनाएं हैं पूसा समाचार के लिए। अब सुनते हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सहायक महानिदेशक बीज का संदेश। श्रोताओं को एक वर्ष पूरा होने पर मेरी हार्दिक बधाई। मैं सबसे पहले बधाई देना चाहूँगा हमारे निदेशक महोदय को कि उनकी सोच को, उनकी विजन को उन्होंने इस पूसा समाचार के द्वारा लागू किया, तो पूसा समाचार का एक बहुत ही वृहत जो सर्कुलेशन हुआ और उसके बाद जो एक नया एडिशन उसमें किया गया कि जिसमें जो रीजनल लैंग्वेजेज में भी पूसा समाचार को जो रिकॉर्ड करके और जो प्रस्तुत किया गया तो वो एक नया इनोवेशन था और इस इनोवेशन के तहत जितना कि इसकी लोकप्रियता बढ़ी है और जितने व्यूअर्स बढ़े हैं उससे निश्चित रूप से हमारे किसान भाइयों को बहुत फायदा हुआ है और ये देश की जो हमारी फूड और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी की जो हम बात करते हैं, नई नई तकनीकियाँ पूसा की और जो प्रोग्राम में जो डाइवर्सिटी रही जिस तरह की, तो वो एक अपने आप में ही एक उदाहरण है और मैं आशा करता हूँ कि इसी तरह से भविष्य में भी जो पूरी टीम है ये इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और पूसा समाचार को बहुत ही अधिक ऊंचाइयों पर ले जाएंगे और जिस तरह का जो इसमें सुधार हुआ है आगे भी इसी तरह से जो समाचार जो इन्फॉर्मेशन है उसमें सुधार होगा और निश्चित रूप से ये फायदेमंद रहेगा। धन्यवाद। इस अवसर पर आइए सुनते हैं पूसा संस्थान के निदेशक का संदेश। किसान भाइयों नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं पिछले वर्ष 15 अगस्त के दिन से हम लोगों ने पूसा समाचार की शुरुआत की थी और इस कार्यक्रम के करीब 52 अंक अभी तक आपके सामने हम लोग प्रस्तुत कर चुके हैं और ये करीब एक वर्ष हमारा इस कार्यक्रम का पूरा हो गया है। मैं आप सभी लोगों को हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने इस कार्यक्रम को पूरी तरह से स्वीकार किया और अपनी प्रतिक्रियाएं हमेशा हमें देते रहे और उन प्रतिक्रियाओं के आधार पर ही हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में, सफल बनाने में, आपकी समस्याओं के निदान करने में सफल हो पाए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपका सहयोग इस कार्यक्रम को और अच्छा बनाने के लिए हमें हमेशा मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। किसानों के लिए समर्पित यह खास कार्यक्रम पूसा समाचार न सिर्फ किसानों ने देखा बल्कि अपने सुझावों से हमें रूबरू भी करवाया। आइए सुनते हैं ऐसे ही कुछ किसानों से उनके विचार पूसा समाचार के बारे में। नमस्कार, मेरा नाम नारायण सिंह नागर है। मैं मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के मुरहाय ग्राम का रहने वाला हूँ। पूसा संस्थान द्वारा पूसा समाचार कार्यक्रम का नियमित रूप से देखता आ रहा हूँ तथा मैं इस कार्यक्रम को किसानों को उम्दा और प्रमाणिक जानकारी उपलब्ध कराने की दिशा में एक सार्थक प्रयास मानता हूँ। मैं अपने सभी किसान साथियों से निवेदन करूंगा कि वो इस कार्यक्रम का अधिकाधिक लाभ प्राप्त करें तथा अन्य साथियों को इससे जोड़ने का प्रयास करें। साथ ही संस्थान से निवेदन करना चाहूंगा कि साप्ताहिक बुलेटिन के अलावा अलग से अन्य कृषि विषयों जैसे पशुपालन, बागवानी, उन्नत कृषि यंत्र आदि पर समय समय पर किसानों को नई नई जानकारियां उपलब्ध कराते रहें। अंत में मैं संस्थान के निदेशक श्री अशोक कुमार सिंह जी एवं उनकी पूरी टीम का आभार अपने किस
तरफ से और अपने किसान साथियों की तरफ से व्यक्त करना चाहूंगा कि वो इतना अच्छा कार्यक्रम हर सप्ताह तैयार करते हैं हम किसानों के लिए। धन्यवाद और आभार। आप सभी का नमस्कार। प्रिय किसान भाइयों, बहनों एवं दर्शकों, पूसा समाचार के पहली वर्षगांठ पर आयोजित ये विशेष अंक में हम आप सबकी स्वागत करते हैं। इस पूसा समाचार की जो टीम आपके साथ जुड़े हुए हैं पिछले एक साल से, उनकी परिचय मैं आपसे कराना चाहता हूं। सर्वप्रथम मैं डॉक्टर आर रॉय बर्मन, प्रधान वैज्ञानिक कृषि प्रसार संभाग। मैं इस पूसा समाचार में मुख्य समन्वयक के रूप में जुड़ा हुआ हूँ और जो वीडियोग्राफी का काम है वो भी मैं करता हूँ। मेरे साथ सहयोगी हैं श्री हीरालाल पासवान जी। अब एंकर्स हमारे जो इस प्रोग्राम में पिछले एक साल से आप देखते आए हैं, उनका मैं परिचय कराना चाहता हूँ। सर्वप्रथम हमारे जो एंकर्स हैं, डॉक्टर अंजलि आनंद प्रधान वैज्ञानिक, डॉक्टर ज्ञान मिश्रा प्रधान वैज्ञानिक, डॉक्टर कपिला शेखावत वरिष्ठ वैज्ञानिक, डॉक्टर शालिनी गौर रुद्र वरिष्ठ वैज्ञानिक, डॉक्टर गिरजेश सिंह महारा वैज्ञानिक एवं डॉक्टर सीमा सांगवान वैज्ञानिक। पूसा समाचार में जो मौसम खबर हम आपको दिखाते हैं, मौसम संबंधित जो भी जानकारी है भारत मौसम विज्ञान विभाग के सौजन्य से हमें प्राप्त होता है डॉक्टर अनंत वशिष्ठ जी से। अब हमारे जो एडिटर्स टीम है, आइए उनका परिचय आपसे कराते हैं। और मैं ओवरऑल समाचार का एडिटर इन चीफ हूँ और ये हमारी सहयोगी टीम है। नमस्कार, डॉक्टर ब्रिजेश मेहरा। नमस्कार, अजीत कुमार दास। आज के इस खास अंक में हम दर्शकों को धान की सीधी बुआई एवं पपीते में रोग प्रबंधन की जानकारी देंगे। हर अंक की तरह पूसा व्हाट्सएप सलाह सेगमेंट में हम किसानों की समस्याओं का समाधान साझा करेंगे और अंत में देंगे मौसम खबर। पारंपरिक तरीके के अलावा कई किसान धान की सीधी बिजाई भी करते हैं, जिसे हम डायरेक्ट सीडेड राइस कहते हैं। जो किसान भाई DSR विधि से धान की खेती कर रहे हैं, उन्हें जिन जिन बातों का ध्यान रखना है बता रहे हैं पूसा संस्थान के निदेशक डॉक्टर अशोक कुमार सिंह। किसान भाइयों नमस्कार, हम खड़े हैं धान के एक खेत में जिसमें सीधी बिजाई की गई है धान की। ये हमारी एक नई किस्म है पूसा 1850, जिसमें कि जो झोंका रोग यानी ब्लास्ट की बीमारी बिल्कुल नहीं लगती है, उसी के लिए संभा मसूरी जो बहुत प्रचलित किस्म है उसका सुधार करके इसको बनाया गया है। इसकी बुआई 18 जून को की गई थी और धान की सीधी बिजाई हम लोगों ने तर बतर विधि से की थी। पहले खेत में पानी लगाया था, पानी लगाने के बाद जब बत्तर आ गया उसके बाद खेत की अच्छी तरह से जुताई करके पाटा लगा करके और फिर सीड ड्रिल से बुआई कर दी थी। लेकिन हुआ क्या कि उसके तुरंत बाद जो है बरसात हो गई, बरसात होने से पपड़ी जम गई थी खेत में, उससे अंकुरण में दिक्कत आ रही थी तो हम लोगों ने उसमें दोबारा पानी लगाया था। इसके बाद इतना बढ़िया अंकुरण हुआ, जैसा कि आप फसल देख रहे हैं इसमें कहीं कोई गैप नहीं है। तो जब हम धान के सीधी बिजाई के प्रबंधन की बात करते हैं तो इसमें इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि अगर इस तरह की कभी स्थिति पैदा हो जाती है तो आपको तुरंत निर्णय लेना पड़ेगा कि क्या आपको करना है। इसके अलावे पौधों की संख्या पर्याप्त हो, जैसे हम रुपाई जब करते हैं तो प्रति स्क्वायर मीटर करीब हम 33 पौधे बरकरार रखते हैं, तो उसी तरह से पौधों की संख्या अगर सीधी बिजाई में हमको बरकरार रखनी है तो कई बार जैसे मान लीजिए अंकुरण ठीक नहीं होता है तो उसमें जब बुआई के बाद फसल करीब 25-30 दिन की हो जाती है उसमें फुटाव हो जाता है तो उस समय खेत में पानी लगा करके और ऐसी जगहों पर जहाँ पर कल्ले फूटे हुए उन पौधों को उखाड़ करके उनको फाड़ करके और दोबारा उनकी रुपाई कर दीजिए, तो इससे जो खेत में गैप है वो पूरा भर जाएगा और आपकी पैदावार बहुत अच्छी आएगी। अब इसमें इस खेत को देख करके कोई भी आदमी ये नहीं कह सकता है कि ये धान की सीधी बिजाई की गई है या इसमें धान की रुपाई की गई है, इतना बढ़िया इसमें पौधों की संख्या पूरे क्षेत्र में मेंटेन है। इस बार पंजाब में करीब 6 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में धान की सीधी बिजाई की गई, उसी तरह से हरियाणा में भी, और इससे आपका सीधा फायदा है। एक तो जो श्रम की बचत होती है करीब 3000 रुपये के आसपास रुपाई का खर्चा बचता है, पानी की बचत 35% के आसपास होती है और इससे जो है हमारा वातावरण के ऊपर भी इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। कुछ समस्याएं हैं धान की सीधी बिजाई में, जैसे खरपतवार नियंत्रण वो सबसे बड़ी चुनौती है और इसके लिए बुआई के तुरंत बाद 72 घंटे के अंदर पेंडीमिथिलीन का छिड़काव किया जाता है और करीब जब फसल 20-22 दिन की हो जाती है तो उसमें हम नामनी गोल्ड का छिड़काव करते हैं, इससे नियंत्रण पूरा अच्छी तरह से हो जाता है। अब ये फसल आपकी 35-40 दिन की हो गई है तो इसमें जो समस्याएं हैं उसमें मुख्य रूप से आपका पत्ती लपेट और तनाछेदक, ये दो कीट आते हैं, इनका नियंत्रण आपको करना है। और इसके अलावे
जो फफूंद जनित बीमारियां हैं, और खासकर इस किस्म में तो फफूंद की बीमारी नहीं आई क्योंकि उसके लिए हमने बनाया है इसको, लेकिन और किस्में जो रुपाई विधि द्वारा भी किसान भाई लगाए हैं उसमें सीथ ब्लाइट और इसके साथ साथ ब्लास्ट यानी कि झोंका रोग, ये दो प्रमुख समस्याएं हैं जो आने वाली हैं। ये देखिए, ये लक्षण जो है ये पत्ती का झुलसा रोग का है, जिसमें कि आप देख रहे हैं कि जो बीच का सिरा है पत्ती का वो वहाँ से सूखना शुरू होता है, किनारे सूख जाते हैं और इस प्रकार से ये नीचे की तरफ बढ़ता है। तो ये पत्ती के झुलसा रोग का जो है मुख्य लक्षण है। इस बीमारी के नियंत्रण के लिए स्ट्रेप्टोसाइक्लिन नामक दवा 6 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से करीब 200 लीटर पानी में डाल करके इसका छिड़काव करें तो इसका नियंत्रण हो जाएगा। और इसके प्रबंधन के लिए दूसरी जो सबसे ज़रूरी बात आपको करनी है वो ये है कि खेत में पानी थोड़ी देर के लिए आप निकाल लें, खेत को सूखा रखें और नत्रजन खादों का प्रयोग जो है उसको थोड़ा सा सीमित कर दें। अगर नत्रजन का प्रयोग ज़्यादा मात्रा में किया जाता है तो पत्ती का झुलसा रोग बहुत ज़्यादा आता है। किसान भाइयों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पत्ती लपेट और तना छेदक कीट का भी प्रकोप आप हो सकता है, इसके नियंत्रण के लिए आपको जो है कई दवाएं हैं, जिसमें कि टेक्निकल अगर हम बात करें तो क्लोरंटी यानी प्रोल है और ये कई नामों से आती है, फर्टेरा, कास्को, प्रदान, केल्डान, इस तरह की और दवाएं इसमें आती हैं जिनका छिड़काव आप कर सकते हैं करीब 4 किलोग्राम दवा प्रति एकड़ के हिसाब से। इसके अलावे आपका जो है फ्लूवेंडामाइड एक दवा आती है जो फेम के नाम से बाज़ार में मिलती है, इसका प्रयोग कर सकते हैं करीब 30 मिलीलीटर दवा 200 लीटर पानी में घोल करके इसका छिड़काव करें तो इससे भी नियंत्रण होता है। अगर हम बात करें झोंका रोग की यानी ब्लास्ट की बीमारी की और इसके साथ साथ सीथ ब्लाइट की, तो उसके नियंत्रण के लिए आपको एजॉक्सिस्ट्रोबिन और डाइफेनाकोनाजोल, ये दवा जो है एमिस्टार टॉप और गोडिवा सुपर के नाम से आती है, इसकी करीब 200 मिलीलीटर दवा 200 लीटर पानी में घोल करके छिड़काव करें तो इसका अच्छी तरह से नियंत्रण हो जाएगा। और साथ ही साथ जो एजॉक्सिस्ट्रोबिन है उसको टेबी कोनाजोल के साथ मिला करके फॉलिक्लोर एक दवा आती है जो कि 300 मिलीलीटर दवा अगर 200 लीटर पानी मिला करके इसका छिड़काव करें तो इन दोनों बीमारियों का जिसमें सीथ ब्लाइट और ब्लास्ट इनका प्रभावशाली नियंत्रण होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। पपीता हम सबका एक पसंदीदा फल है जो विटामिन ए से भरपूर होने के साथ साथ किसानों के लिए आय सृजन का एक उत्तम स्रोत भी है। जो किसान भाई पपीते में अच्छी उपज लेना चाहते हैं उनके लिए रोग प्रबंधन की विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे पूसा संस्थान के विशेषज्ञ डॉक्टर जयप्रकाश। जब जून से लेकर सितंबर के महीने में इस मौसम में विषाणु रोगों की समस्या बढ़ जाती है। विषाणु रोग दो तरीके से पपीते में आते हैं, एक पर्णकुंचन रोग होता है जिसको बहुत से लोग मरोड़िया रोग भी कहते हैं, जिसमें ऊपर का हिस्सा जो है पत्ते सारे मुड़ जाते हैं, फिर जो भी नया पत्ता आता है वो मुड़ा हुआ होता है। यह सामान्य रूप से सफ़ेद मक्खी द्वारा फैलाया जाता है। इनका प्रबंधन कैसे करें, उसके लिए हमें ये करना चाहिए कि खेत को जून से सितंबर के महीने में साफ़ सुथरा रखना चाहिए। किनारे किनारे खेत में पपीते की पौध जो व्यावसायिक खेती करते हैं किनारे में वो कोई ना कोई ट्रैप क्रॉप लगाएं, जैसे ज्वार है, बाजरा है, मक्का है या बेबी कॉर्न है। जून से सितंबर के महीने में जब ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है उस समय हम नीम आयल का 3 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर जल में घोल के छिड़काव करें 15 दिन के अंतराल पर। अगली बार हम इमिडियोक्लोरापिड जैसे रसायन का प्रयोग करते हैं जिसकी 1 मिलीलीटर मात्रा 3 लीटर जल में घोल कर छिड़काव करें और ये 15 से 20 दिन के अंतराल पर करें। अब हम आते हैं दूसरे विषाणु रोग की तरफ जिसको कहते हैं पपाया रिंग स्पॉट वायरस, जो दुनिया में सबसे खतरनाक विषाणु रोग है और बहुत तेज़ी से फैलता है। इसको फैलाने वाला माहू है। हम जानते हैं कि माहू का 2 मौसम बहुत ही खतरनाक होता है। एक, जैसे हम अप्रैल के महीने में आते हैं उस वक़्त माहू की संख्या बहुत बढ़ जाती है, उसके बाद वापस अगस्त और सितंबर के महीने में माहू की संख्या काफ़ी बढ़ जाती है। 15 से 20 दिन के अंतर में ही ये बहुत तेज़ी से फैल जाता है। इसमें हमें ध्यान देने की ये बात है कि हम शुरू से ही जो कार्बनिक खादें हैं, ऑर्गेनिक सप्लीमेंट जिसे हम कहते हैं, जैसे ट्राइकोडर्मा है या आपका वर्मी कंपोस्ट है, सड़ी गोबर की खाद है, इसकी मात्रा को अच्छे से प्रयोग करें। नर्सरी से लेकर जब उसकी रोपाई करने जाते हैं वहाँ प्रयोग करें। टाइमेटोट का भी प्रयोग कर सकते हैं जिसकी 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर घोल में मिलाकर छिड़काव करें। जो भी रसायन का हम प्रयोग कर रहे हैं उसको 15 से 20 दिन के अंतराल पर करें और रसायन को बदलते रहना आवश्यक है, क्योंकि पपीता एक ऐसा पौधा है जिसमें अगर आप ज़्यादा कीटनाशी का या रसायन का प्रयोग करेंगे तो उसमें फाइटोटॉक्सिसिटी मतलब पत्ते खुद ही जलने शुरू हो जाते हैं। येलो स्टिकी ट्रैप होता है जिसका प्रयोग हम लोग करते हैं। येलो की स्टिकी ट्रैप जो है वो सफ़ेद मक्खी के अगेंस्ट में बहुत ही प्रभावी है। नेट हाउस, नर्सरी, इन सब क्षेत्रों में तो उसका प्रभाव
100% तक है, लेकिन बाहर में हम जब प्रयोग करें तो खुला वाला ना प्रयोग करें, एक शेप में आता, आकार में आता है, जिसमें वो सिर्फ अंदर के हिस्से में जाके कीट फंसते हैं, उनका प्रयोग करें। अब आते हैं हम तीसरी बीमारी की तरफ, जो अधिक पानी और अधिक तापक्रम के चलते होता है, ये फफूंद जनित रोग है। इसके लिए आवश्यक है कि जब हम रोपाई करने जाएं तो कम से कम 20 ग्राम ट्राइकोडर्मा का प्रयोग वो उसके गड्ढे में सड़ी गोबर की खाद के साथ करें रोपाई से एक सप्ताह पहले। दूसरा, कभी ऐसे किसी खेत का चुनाव ना करें जिसमें पानी रुकता हो। जब भी मल्चिंग करें तो ध्यान दें कि नीचे का तापक्रम 25 डिग्री सेल्सियस है, जो मिट्टी के 15 सेंटीमीटर नीचे का क्षेत्र है वहाँ का तापक्रम 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ना हो। जो उसके आसपास की मिट्टी बारिश में बूंदों को पड़ने के चलते मिट्टी जाके तने पे पड़ती है, और जब तने पे पड़ती है तो इस फफूंद का जो इन्फेक्शन है वो स्टेम पे होता है, जिसे हम कॉलर रॉट कहते हैं। और कई जगह जब पुराने पौधे होंगे, जो एक साल पुराने पौधे होंगे, उसमें फुट रॉट होता है। रोकथाम करने का तरीका यह है कि आप कापर ऑक्सीक्लोराइड का पेस्ट बना लीजिए। कापर ऑक्सीक्लोराइड का पेस्ट बना के तने का जो निचला हिस्सा है 15 सेंटीमीटर या जहाँ जहाँ आपको दिखाई पड़ता है कि यहाँ पर समस्या आ रही है, उसके ऊपर उसका लेप लगा दें। चौथी समस्या आजकल जो दिखाई पड़ती है, वो फूल का या जिसमें अंडाशय पहले से लगा होता है, फलनुमा आकार होता है, उसका जो इंड होता है स्टिग्मा पर, वहाँ पर देखेंगे कई बार आपको हल्की सी सड़न होगी, पीलापन होता है, गिर जाता है। इस समस्या से बचने का तरीका ये है कि ऐसे मौसम में, खास करके अगस्त और सितंबर के महीने में, आप एक से दो छिड़काव सूक्ष्म पोषक तत्वों का करें, चाहे वो जिंक सल्फेट बोरान के साथ हो, इसके साथ में बॉबिस्टीन की 1 ग्राम मात्रा का प्रति लीटर में मिला के छिड़काव करें। अगर आपके पास अन्य हार्मोन है, उसका प्रयोग आप 10 ppm की दर से बॉबिस्टीन के साथ 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से भी मिलाकर छिड़काव करेंगे। पूसा समाचार में अब समय है हमारे खास सेगमेंट का, पूसा व्हाट्सएप सलाह, जिसमें हम खेती किसानी से जुड़ी आपकी समस्याओं के समाधान को आपसे साझा करेंगे। झारखंड से मासूम अंसारी जी ने कद्दू वर्गीय फसलों में पीले धब्बे पड़ने की समस्या बताई है। आपकी फसल में डाउनी मिल्ड्यू नामक रोग का प्रकोप हुआ है। इसके नियंत्रण हेतु रिडोमिल गोल्ड की 200 ग्राम मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। उत्तर प्रदेश से रमाशंकर मौर्य जी ने धान में रोग की समस्या बताई है। आपकी फसल में बकाने रोग का प्रकोप हुआ है, तुरंत सिंचाई करें और खेत को सूखने ना दें। इसके रासायनिक नियंत्रण हेतु कार्बिंडाजीन की 200 ग्राम की मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। आइए सुनते हैं आने वाले सप्ताह में कैसा रहेगा देश भर में मौसम का हाल, मौसम खबर में। भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा दिए गए मौसम पूर्वानुमान के अनुसार 15 से 17 अगस्त के दौरान असम, मेघालय, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तटीय आंध्र प्रदेश और यनम में, 15 अगस्त को उत्तराखंड में, अरुणाचल प्रदेश में, 15 और 16 अगस्त को उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम में, 16 अगस्त को झारखंड में और 16 से 17 अगस्त को तेलंगाना, छत्तीसगढ़ में तथा 17 अगस्त को विदर्भ, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में कुछ कुछ स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना है। 16 और 17 अगस्त को तेलंगाना, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, मध्य प्रदेश, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में तथा 17 अगस्त को तमिलनाडु, पांडिचेरी और कराईकल में गरज के साथ बिजली गिरने की संभावना है। 18 से 20 अगस्त के दौरान पूर्वोत्तर भारत, पूर्वी भारत, मध्य भारत, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल में कुछ स्थानों पर वर्षा की संभावना है। उत्तर पश्चिम भारत के अधिकांश मैदानी भागों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। प्रिय किसान भाइयों, बहनों एवं दर्शकों, आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि अधिक से अधिक संख्या में हमारे संस्थान के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें। कृषि से जुड़ी समस्याएं या अधिक जानकारी हेतु हमें दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप अवश्य करें। कृषि की दिशा में यदि लाने हो नवाचार तो देखते रहिए हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पूसा समाचार। कुछ नए विषयों पर नई जानकारी लेकर हम फिर हाजिर होंगे अगले शनिवार। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। Thank you.